केरल और उत्तराखंड के बाद बिहार और पड़ोसी देश नेपाल के कुछ जिलों में भी तेज बारिश से हालात बिगड़ गए। पिछले महीने ही गुलाब तूफान के असर से हुई बारिश से वहां भारी नुकसान हुआ था, जिससे लोग अभी उभर नहीं पाए थे कि मौसम के बिगड़े मिजाज ने फिर आफत खड़ी कर दी। जिसकी कुछ तस्वीरें नेपाल के विराटनगर से भी सामने आई। वहां बादल ऐसे बरसे कि सड़कें नदियों में तब्दील हो गईं। उस पर भी पानी का बहाव इतना तेज कि उन सड़कों से होकर गुजरना नामुमकिन सा हो गया। बताया गया कि भारी बारिश से वहां की एक नदी में उफान आ गया, जिसकी वजह से उसका पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। अचानक हालात बिगड़ने से कई लोग तो घरों में रहने के लिए मजबूर हो गए। लगातार हो रही बारिश से आम जीवन भी प्रभावित होने लगा है, लोग अपने अपने काम पर नहीं निकल पा रहे हैं। भारत नेपाल सीमा पर हुई तेज बारिश का असर बिहार के कुछ जिलों पर भी पड़ा, जिनमें दरभंगा और गोपालगंज जिला भी शामिल हैं, जो इस बेमौसम बारिश की मार से बच नहीं पाए और वहां भी बादल जमकर बरसे, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। दरभंगा के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में शहर की एक सड़क पर बारिश का पानी बहता दिखा। इतना ही नहीं, कई मकान भी इस आफत से बच नहीं पाए क्योंकि उनमें भी पानी का कब्जा हो गया। इन हालात में जो लोग जरूर काम के लिए घरों से निकले, उन्हें भी काफी मुसीबतें झेलनी पड़ी। कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें बिहार के दूसरे जिलों से भी आईं। गोपालगंज में तो धान की खड़ी फसल भारी बारिश की भेंट चढ़ गई, जिससे किसानों का काफी नुकसान हुआ। सौबात की बात यह कि बिहार में मानसून खत्म होने का ऐलान 10 दिन पहले ही हो गया था और अब वहां आसमान से जो आफत बरस रही है उसे जलवायु परिवर्तन का ट्रेलर माना जा रहा है, क्योंकि एक साथ पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ से बादल वाली हवाएं उठी, जो भूमध्य सागर को का तापमान बढ़ने का नतीजा थी, और उसी दौरान बंगाल की खाड़ी में भी समंदर की सतह गर्म हो गई, जिसकी वजह से बिहार के 4-5 जिलों को छोड़कर सभी जगह भारी बारिश हुई, जो अगले 24 घंटे तक थमती नहीं दिख रही।